आज हम यहाँ कक्षा 11वीं में राजनीति शास्त्र में अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार इसका अध्ययन करेंगे। आप संविधान के बारे में पहले भी पढ़ चुके हो कि संविधान एक नियमावली है जिसमें हम देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए पूरे नियमों का वर्णन किया गया है। तो संविधान का जो तीसरा भाग है उसमें हम कुछ मौलिक अधिकारों का वर्णन उसमें किया गया है, तो हम उसमें यही अध्ययन करेंगे। तो इस अध्याय में आपको देखना है कि संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं और उन अधिकारों को हम कैसे सुरक्षित किया गया है, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उन अधिकारों की व्याख्या और उसको सुरक्षा करने में हमारी न्यायपालिका की क्या भूमिका है, और मौलिक अधिकार हैं साथ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो उन दोनों में मूलतः अंतर क्या है इसका अध्ययन हम करेंगे। तो जो भारतीय संविधान है, जो हमारा संविधान नहीं बना था उसके पहले ही मोतीलाल नेहरू समिति ने एक घोषणा पत्र की थी, अधिकारों के एक घोषणा पत्र 1928 में, तभी से हम अपने मौलिक अधिकारों की मांग हम करते रहे। तो हम देखेंगे कि भारत के जो संविधान है उसमें 6 मौलिक अधिकार हैं, तो उसमें से ये 6 देखिए, पहले 7 थे, संपत्ति वाला हटा दिया गया है, समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संविधानिक उपचारों का अधिकार। ये हम 6 अधिकारों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पहला है समता का अधिकार। अब ये अधिकार क्यों मतलब लागू किए गए हैं, इसलिए किए गए हैं कि समानता मतलब सभी में हर कार्य में समानता हो, इसलिए ये अधिकार संविधान में बताए हुए हैं। कई घटनाएं दैनिक जीवन में, कई उदाहरण ऐसे हैं जिसमें कि ये समता का अधिकार शामिल नहीं किया जाता है, जैसे कि जब 1982 में एशियाई खेल हुए तो सरकार ने बहुत ज़ोर शोर से तैयारी करवाई और ठेकेदारों को सेवाएं दी, तो उन्होंने जो फ्लाईओवर और स्टेडियम का जो निर्माण करवाया उसमें जो श्रमिक लिए गए, जो मजदूर लिए गए, उनको जो उनको मतलब मजदूरी उनको जो देना था उसके लिए पगार जो भी, तो उन्होंने उसका कम भुगतान किया गया, लेकिन उस समय ज़रूरत के आधार पर उन लोगों ने क्या किया, वो कार्य कर दिया। तो मतलब एक प्रकार मजदूरी से कम देना, बंधुआ मजदूरी जैसा कार्य उनसे करवाया गया। तो समता का अधिकार का मतलब है कि कानून के समक्ष समानता, कानूनों के समान संरक्षण, सभी को समान सहायता मिले, कभी भी धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न किया जाए। जैसे कि पुराने समय में होता था, दुकानों, होटल, कुओं, तालाबों, घाटों आदि में उन पर असमानता प्रदर्शित की जाती थी, अब ऐसा नहीं है। तो सड़कों आदि में उन पर प्रवेश की समानता हो, रोजगार में अवसर की समानता, समानता के आधार पर उनको रोजगार मिले, छुआछूत इसका भी क्या हो, पूरा दूर हो ये, और उपाधियों का अंत हो। तो हम देखते हैं कि समानता का अधिकार सब पर बराबर से लागू हो। अगला अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, नाम से ही आपको पता चल रहा है ये, तो ये भी अपने संविधान में दिए हुए हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति का, शांतिपूर्ण ढंग से जमा कर आप जमा हो सकते हैं, मतलब एकत्रित हो सकते हैं, सभा कर सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं, और भारत देश में कहीं भी आने जाने का अधिकार, और भारत के किसी भी हिस्से में बसने का और रहने का आपको स्वतंत्रता दी जाती है। कोई भी पेशा चुने आप, व्यापार करें, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी रक्षा करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आपको जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, उस पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी,
अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार, जो अपराधी हैं या जिन्होंने अपराध किया है वो भी अपनी सजा कम करने के लिए भी उनको भी अधिकार दिए गए हैं, वो अपना वकील चुन सकते हैं। इस प्रकार बहुत से अधिकार दिए गए हैं। तीसरा है यहाँ पर जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें एक अधिकार ये भी है, निवारक नज़रबंदी। ये निवारक नज़रबंदी क्या है, क्या होता है कि यदि सरकार को कभी लगता है कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है तो उसे क्या कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। ये समय 3 महीने के करीब होता है जिससे कि हमारे देश की मतलब सुरक्षा पर कोई भी आँच ना आए, तो इसलिए ये निवारक नज़रबंदी ये एक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। और यदि मान लो कोई आरोपी है तो उस या अभियुक्त है उसको भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, तो हमारे संविधान में ये प्रावधान कराता है कि उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले जिन पर विभिन्न अपराधों के आरोप लगे हुए हैं। तो यदि वो दोषी है तो न्यायालय किसी भी व्यक्ति को अपराध का दोषी नहीं ठहराता है, तब तक नहीं मानता है जब तक कि उस पर कोई उसके सबूत ना हो। तो अपराध के आरोपी को स्वयं को बचाने के लिए वो उचित समुचित अवसर प्रदान करता है। तो उसे इस प्रकार 3 अधिकारों की व्यवस्था की गई है आरोपी के लिए कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा उसको सजा नहीं मिलेगी, और कोई भी कानून किसी भी कार्य को उसकी पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा, और किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य के लिए फिर नहीं कहा जा सकेगा कि अपने विरुद्ध कोई गवाह को प्रस्तुत किया जाए। तो इस प्रकार ये स्वतंत्रता का अधिकार। फिर तीसरा अधिकार है शोषण का अधिकार। शोषण के अधिकार में मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगा दी जाती है, और जोखिम काम करने वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक। वैसे अब नियम भी बन गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चों से कोई भी जोखिम भरा कार्य या बंधुआ मजदूरी ना करवाई जाए। अगला अधिकार है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें सभी को अपने अपने धर्म पर आस्था और प्रार्थना की आज़ादी दी गई है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन मतलब उनको अपने जो धार्मिक व्यवस्था करना है प्रबंध करना उसकी छूट दी गई है। किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता भी है, और कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की भी उसको क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। सभी धर्मों में समानता होती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है समानता के आधार पर कि किसी भी शैक्षणिक संस्थाओं में ना तो किसी विशेष धर्म का प्रचार किया जाएगा और ना कोई विशेष शिक्षा दी जाएगी। इन प्रावधानों में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया जाता है। अगला अधिकार है हमारा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण के अधिकार अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार ये दिया गया है। फिर सबसे जो लास्ट वाला है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें जो मौलिक अधिकार हैं हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो लागू हो रहे हैं कि नहीं, तो उनको भी लागू करने के लिए यदि कोई उल्लंघन करता है उनको लागू नहीं करता है तो ये यहाँ पर हम उसका उपचार कर सकते हैं कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए हमें न्यायालय में हम उसकी शरण ले सकते हैं। संवैधानिक उपचारों में जो सरकार है न्यायालय है वो कोई विशेष प्रकार के आदेश क्या करती है, निर्देश जारी करती हैं जिन्हें हम रिट या प्रादर्श कहते हैं, प्रादेश कहते हैं। तो इसमें 5 प्रकार के रिट होते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, अधिकार पृक्षा और उत्प्रेषण रिट। ये बंदी
प्रत्यक्षीकरण, इसमें आप देखेंगे कि न्यायालय किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैरकानूनी या असंतोषजनक है तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश भी दे सकता है। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश। ये पांचों बहुत आईएमपी हैं। ये परमादेश में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक पद पर है या कानूनी संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है जो पालन उसको करना चाहिए, तो इसे व्यक्ति का मौलिक अधिकार क्या हो जाता है, प्रभावित हो रहा है। फिर है निषेध आदेश। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे जो मुकदमा होता है ना उसकी सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोक सकती हैं, तो इसे हम बोलते हैं निषेध आदेश। चौथा है अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा में ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति जिस पद पर नियुक्त है और उसका कोई कानूनी हक नहीं है तो उसे न्यायालय अधिकार प्रक्षा आदेश के द्वारा उस पद पर कार्य करने से रोक सकता है। उत्प्रेक्षण रिट। निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई भी कार्य करता है तो जो न्यायालय होती है उसके समक्ष विचार जो विचाराधीन मामले हैं उसको लेकर उत्प्रेक्षण द्वारा ऊपर की अदालत या अधिकारी को उसको स्थानांतरित कर सकता है। ये हो गए आपके अधिकार। फिर है मानव निर्देशक, मानवाधिकार आयोग। ये 1993 में हमारे सरकार ने इसको निर्धारित किया कि संविधान द्वारा जो हमें अधिकार दिए गए हैं तो ये अधिकार लिखित में हैं, इनकी पहचान तब होगी जब इन्हें हम समाज में लागू करें। समाज के गरीब, अशिक्षित, कमजोर जो लोग हैं ये इनको भी अपने अधिकारों को प्रयोग करने की क्या होनी चाहिए, छूट मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने या पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स ने अधिकारों के हनन के विरुद्ध रोकने के लिए 1993 में सरकार ने मानवाधिकार आयोग का क्या किया, एक गठन किया। अच्छा, ये जैसे मौलिक अधिकार हैं वैसे ही हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान जब हमारा बन रहा था तो उस समय पता था कि स्वतंत्र भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इन इससे नागरिकों में समानता लाना, सबका कल्याण करना, ये इनका बड़ा चुनौती थी उनके सामने। तो उनके लिए इस समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश जारी किए गए और इन्हें साथ ही इन नीतियों को भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी भी नहीं बनाना चाहते थे। ये चाहते थे कि सरकार में ये नियम भी लागू हो जाए, तो ये कहलाते हैं नीति निर्देशक तत्व। संविधान में कुछ निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया लेकिन न्यायालय के माध्यम से लागू करने की व्यवस्था नहीं की गई। यदि सरकार किसी निर्देश को लागू करती है तो हम न्यायालय में जाकर यह मांग नहीं कर सकते कि उसे लागू करने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे। इसलिए नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है क्योंकि इनको संविधान में कहीं कहीं स्थान नहीं दिया गया है। इस संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। संविधान निर्माताओं का मानना था कि निर्देशक तत्व के पीछे एक सामाजिक व्यवस्था है, एक नैतिक शक्ति है जो सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से ले। जनता उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भावी सरकारों पर डालेगी। तो ऐसे ही नीति निर्देशक तत्वों की कुछ सूचियां रखी गई हुई हैं, आप अगले पृष्ठ पर देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं। तो इसमें वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए और वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार ये नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य ये लक्ष्य है।
आप देखेंगे इसका जो उद्देश्य है लोगों का कल्याण करना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करना और इस प्रकार सभी जीवन स्तर ऊपर उठाना और जो संसाधन वितरित किए हुए हैं उनका समान वितरण करना, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। इनकी जो नीतियाँ हैं वो समान नागरिक संहिता, समानता के सिद्धांत पर आधारित हैं। मद्यपान निषेध, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक लगाना, ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन, और भी ऐसे अधिकार हैं जिनके लिए न्यायालय में हम दावा नहीं कर सकते हैं। ये अलग से सूची बनाई गई है इनकी। पर्याप्त जीवन यापन, महिलाओं और पुरुषों को समान करने की, समान मजदूरी देना चाहिए, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, काम का अधिकार, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये सामान्य नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि भावी सरकार से अपेक्षा की जाती है कि ये हमारे अधिकारों में, हमारे संविधान में ये लागू किए जाए। धन्यवाद। नीति निर्देशक तत्व हैं और मौलिक अधिकारों में ये मिलते जुलते हैं, इनमें क्या संबंध है? मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व तो एक दूसरे के पूरक हैं। मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं तो नीति निर्देशक तत्व तो उन कार्यों की प्रेरणा देते हैं। मौलिक अधिकार खास तौर से व्यक्ति को अधिकारों को संरक्षित करते हैं और नीति निर्देशक तत्व तो पूरे समाज के हित की क्या करते हैं, बात करते हैं। तो जब कभी हम नीति निर्देशक तत्वों को लागू करते हैं तो ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों से क्या हो जाते हैं, टकरा सकते हैं।